छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साध्वी नहीं मानता, क्योंकि साधु संतों की वाणी में संयम और मिठास होता है, लेकिन वह तो मुंह खोलते ही जहर उगलती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उमा भारती पर भी गेरुआ वस्त्र धारण करने को लेकर जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि ये लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर अभी भी मोह माया में फंसे हुए हैं। ऐसे लोग साधु साध्वी कैसे हो सकते हैं? पिछले दिनों प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक यात्रा के दौरान फ्लाइट में सीट को लेकर एक अन्य यात्री के साथ उलझती हुई नजर आई थी। उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साध्वी नहीं मानता, क्योंकि साधु संत की वाणी में संयम और मिठास होती है, लेकिन वह तो मुंह खोलते ही जहर उगलती है। उमा भारती हो चाहे प्रज्ञा ठाकुर, वो किस प्रकार से जुबान खोलती है तो जहर उगलती है। सीएम भूपेश ने राज्य के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नए साल में राज्य सरकार ने कुछ नए संकल्प लिए हैं। हम प्रयासरत हैं कि कुछ ऐसा करें ताकि छत्तीसगढ़ भारत के मानचित्र पर सर्वोपरि रहे। उन्होंने गुजरे हुए साल को छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धियों भरा बताया और अपने एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। रायपुर में महापौर बनाने के भाजपा के दावे को उन्होंने खोखला बताते हुए कहा कि भाजपा हमारे संगठन में फूट की अफवाह फैला रही है। उनका दावा पूरी तरह खोखला है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।